नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गोल्डन इंडिया की इस फ्रेश वीडियो में। आइए दोस्तों जानते हैं आज का सोने और चांदी का ताजा दाम और इसी के साथ में जानेंगे आज की पांच बड़ी खबरों को। खबरों में बने रहिएगा क्योंकि सारी खबरें जानना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हाँ, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और देखने के साथ में लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। तो अब आपको मिलेगा सिर्फ शुद्ध सरसों का तेल, सभी तरह से मिलावट पर लगी पाबंदी। जी हाँ दोस्तों, अब तक आपको बाजार में मिलावट वाला सरसों का तेल मिलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि अब उपभोक्ताओं को बेचा जाने वाला सरसों का तेल सिर्फ शुद्ध ही बेचा जा सकेगा। बता दें कि अभी तक बाजार में मिलने वाले तेल में 20% तक खाने का दूसरा तेल मिलाने की इजाजत थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जानकारों का कहना है कि पिछले कुछ समय में सरसों के तेल की कीमत में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है और ऐसे में आशंका बढ़ गई है कि घटिया खाने के तेल की मिलावट ज्यादा हो जाएगी और इसको रोकने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है और नया नियम बना दिया है। सरकार ने इसके लिए FSSAI को भी निर्देश दे दिए और इन नए दिशा निर्देशों के तहत 1 अक्टूबर 2020 से सिर्फ शुद्ध यानी कि 100% सरसों का तेल ही बेचा जाएगा, उसमें किसी भी तरह के अन्य तेल की मिलावट नहीं हो सकेगी। है ना, काफी अच्छी बात है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। तो SBI ग्राहक ध्यान दे, 1 अक्टूबर से बदल जाएंगे लेन देन के नियम, आपकी जेब पर पड़ेगा यह असर। जी हाँ दोस्तों, यदि आप भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक है तो यह खबर आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। SBI ने 1 अक्टूबर से बदले जाने वाले नियमों को लेकर अलर्ट जारी किया और इस नए नियम के अनुसार 1 अक्टूबर 2020 से SBI के ग्राहकों को विदेश में पैसे भेजने के लिए या फिर विदेश से पैसे मंगवाने के लिए भी टैक्स चुकाना होगा। अगली बड़ी खबर है, फेस्टिवल सीजन से पहले मोदी सरकार देने वाली है सबसे बड़ा राहत पैकेज, इन चीजों पर होगा फोकस। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी के कारण देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है और लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं। इस वित्त वर्ष में देश के GDP में 23.9% की गिरावट भी दर्ज की गई है। हालांकि सरकार ने PM गरीब कल्याण योजना के तहत कई तरह की घोषणाएं भी की, लेकिन इससे भी बात नहीं बनी। और अब केंद्र सरकार अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए सबसे बड़े राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा करने जा रही है। मोदी सरकार इस पैकेज की घोषणा फेस्टिवल सीजन शुरू होने से पहले करेगी और ये राहत पैकेज आत्मनिर्भर भारत पैकेज और PM गरीब कल्याण पैकेज से भी बड़ा होगा। इस मामले से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार 35,000 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा कर सकती है, जिसका मुख्य फोकस शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की नौकरियों के ऊपर होगा। चलिए तो आज की अगली खबर है, SBI करेगा प्रॉपर्टी की मेगा ई नीलामी, सस्ते में घर दुकान प्लॉट खरीदने का बढ़िया मौका। जी हाँ दोस्तों, देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको एक और बड़ा मौका देने जा रहा है। मौका है घर, प्लॉट या दुकान खरीदने का। SBI 30 सितंबर को मेगा ई ऑक्शन नीलामी करने जा रहा है, जिसमें अलग अलग शहरों के 1,000 से भी ज्यादा प्रॉपर्टी की ई ऑक्शन के जरिए नीलामी की जाएगी। यहाँ पर आपको बाजार कीमत से सस्ती कीमत में प्रॉपर्टी भी मिल सकती है। नीलामी से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप अपने नजदीकी SBI की शाखा पर जाकर भी संपर्क कर सकते हैं। अधिक जानकारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। चलिए तो बात करें सोने और चांदी के दाम की। सबसे पहले जानते हैं 22 कैरेट के अनुसार सोने का दाम, तो 1 ग्राम के अनुसार 4,835 रुपए, 8 ग्राम के अनुसार 38,680 रुपए, 10 ग्राम का 48,350 रुपए और 100 ग्राम का 483,500 रुपए 22 कैरेट गोल्ड की प्राइस चल रही है। वही दोस्तों बात करें 24 कैरेट सोने की, तो 1 ग्राम के अनुसार 4,935 रुपए, 8 ग्राम का 39,480 रुपए, 10 ग्राम का 49,350 रुपए और 100 ग्राम का 493,500 रुपए 24 कैरेट गोल्ड की प्राइस चल रही है। इसी के साथ में बात करें चांदी के दाम की, तो प्रति किलोग्राम के अनुसार 58,843 रुपए पर चांदी का भाव पहुंच चुका है। चलिए तो इसी के साथ में आज का सामान्य ज्ञान का प्रश्न है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था, और इसके विकल्प है समुद्रगुप्त, हर्ष, कनिष्ठ या फिर चंद्रगुप्त मौर्य। आपको इसका जवाब नीचे कमेंट करके बताना है और इसके बाद में इस वीडियो को लाइक करना है। जो भी इसका सही जवाब देंगे उनके नाम रैंडमली यहां पर प्रकाशित किए जाएंगे।